नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अलेक्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार टेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपना घर बैठे ही एनपीसीआई से लिंक्ड बैंक अकाउंट का पता कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, ठीक है। आप लोग घर बैठे ही पता कर सकते हो कि आपका एनपीसीआई से लिंक्ड खाता यानी अकाउंट कौन सा है, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एनपीसीआई से लिंक्ड बैंक अकाउंट का पता करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल के क्रोम पर चले जाइएगा, ठीक है। आप लोगों के पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल के क्रोम पर चले जाइएगा, या फिर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो आप लोग लैपटॉप के क्रोम पर चले जाइए, ठीक है। यहाँ पर क्रोम पर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को जो सर्च कर लेना है एम आधार सर्च कर लेने के बाद आप लोगों को ना यहाँ पर फर्स्ट वाला ही लिंक है, ऊपर वाला, इसी पर हम लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आपका सब डिटेल्स होता है। यहाँ पर सब डिटेल्स देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ना यहाँ पर लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग लॉगिन वाले पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को अपना आधार नंबर डालना है, ये वाला जो कैप्चा है ना यहाँ पे फिल कर देना है ये कैप्चा वाले में, ठीक है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हो, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जो आधार से लिंक्ड होगा ना उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी डाल को आपको सीधा लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक ओटीपी जनरेशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मैं यहाँ पर डालूंगा। ओटीपी फिल करने के बाद सिंपली आप लोगों को लॉगिन बार पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हो ना, मेन ये पेज है, ठीक है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हो, यहाँ पर आप लोगों का आधार से रिलेटेड सभी जानकारी होता है, ठीक है। इससे आप लोग बहुत कुछ पता कर सकते हो, क्योंकि ये आपका आधार ही लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग आधार से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए ना, सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग को पता करना है कि एनपीसीआई से कौन सा मेरा खाता लिंक्ड है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, मतलब मेरा जो है एनपीसीआई मेरे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। और कौन से बैंक अकाउंट से लिंक्ड है ये भी आप लोगों को यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग नीचे थोड़ा देखिएगा तो आधार नंबर, ये आधार नंबर है, जो आगे का हाइड है, बाकी पीछे का 4 डिजिट मुझे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा बैंक नेम, बैंक नेम में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपका कौन सा बैंक एनपीसीआई से लिंक्ड है, मतलब डीबीटी मैपिंग किया हुआ है, जिसे हम लोग आधार सीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ का मतलब एक ही होता है, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। या तो एनपीसीआई बोलिए, या तो डीबीटी मैपिंग बोलिए, या फिर आधार सीडिंग बोलिए, ये तीनों चीज़ एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली दिख जाएगा कि कौन से बैंक से आपका आधार सीडिंग किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिवेट है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इनएक्टिवेट दिखाता है, क्योंकि उनका आधार सीडिंग नहीं किया होता है, तो उनको आधार सीडिंग की करने की जरूरत होती है। आधार सीडिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप लोग आधार सीडिंग नहीं करवाते हो ना, तो आप लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाओगे। मीन्स कि आप लोगों का जैसे पेंशन वाले हैं, तो पेंशन आपका बंद हो जाएगा, या फिर गैस सब्सिडी आपका आना बंद हो जाएगा, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका छात्रवृत्ति वगैरह जो भी है, प्रोत्साहन राशि 10th वगैरह सबका, ये सभी बंद हो जाएगा जब तक आप लोग आधार सेटिंग नहीं करवाते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग खुद से ही एनपीसीआई का फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।